44। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सोनू राजकुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SRK राइट। आई होप आपको ये वाला एंगल पसंद आया हो। जैसे पहले आपने देखा, बहुत टाइम लग गया इसको फिट करने में और इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया मैं। और अभी चाय पी के जस्ट अभी निकला हूँ और आप देख सकते हो वेदर कितना ही मस्त है, बहुत ही प्यारा वेदर है। ठंडा महसूस हो रहा है थोड़ा सा। हम आए हुए हैं उखड़ा जाने वाला बाईपास रोड पे और आप देख सकते हो क्या मस्त सीन लग रहा है यहाँ पे। रोड पे गाड़ियाँ काफ़ी तेज चल रही है क्योंकि ये पूरा पैच जो है एकदम 300 मीटर बहुत ही लंबा सीधा पैच है और यहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी आते हैं। तो अब धीरे धीरे फॉग हटने लगा है क्योंकि सूरज देवता हमारे आ चुके हैं, दर्शन दे चुके हैं और टाइम हो गया है 7:15 और हम चलते हैं थोड़ी सी अलग लोकेशन में। बाकी इस सामने साइड अभी भी फॉग बहुत ही ज़्यादा है और इधर का थोड़ा कम हो गया, यानी धीरे धीरे फॉग हटने वाला है टोटल। जो आप मेरे बाइक पे साउंड सुन रहे थे वो इसकी वजह से, क्योंकि एडजस्ट मैंने खोल दिया था और अभी मैं इसको फिट कर रहा हूँ और इसको लगाने के बाद बाइक जो है ना पूरी एकदम गूंगी हो जाएगी, ज़रा सा भी साउंड नहीं रहेगा। तो करता हूँ फटाफट फिट और आपको दिखाता हूँ। तो सिर्फ एक नट वॉल्ट लगाना है इसमें और इसको यहाँ से लगाना है और ये वाला एंड जो है इसमें इन कर देना और हमारा साइलेंसर फिर से रेडी हो जाएगा स्टॉक के जैसा। तो लगाते हैं अब इसको। बस इस नट बोल्ट को यहाँ पे पहना देना। तो ये हमारा लग गया स्टॉक साइलेंसर और आवाज़ अब पहले जैसे एकदम स्टॉक जैसा हो जाएगा फिर से। तो अभी लगा दिया एग्जॉस्ट और अभी इसका साउंड सुनिए आप, नॉर्मल हो गई। तो फिलहाल मैं निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए अपने और अभी टाइम हो रहे हैं 8:47 यानी 8:45 के आसपास। और जैसा कि आपको पता ही है कि अभी जाके थोड़ा सा काम रहता है सुबह सुबह के टाइम में, तो जाके जल्दी कंप्लीट करूँगा और 10 बजे अपनी वीडियो लाइव आ जाएगी। एडिट करके मैंने रात में ही अपलोड कर दिया था, सिर्फ थंबनेल सेट करना है और पब्लिश करना है। तो आज कोशिश करता हूँ थोड़ा टाइम पे हो, क्योंकि 2 दिन से थोड़ा लेट हो जा रहा है और जो प्यार आप लोग दिखा रहे हैं वैसे दिखाते रहिए। और आशा रखता हूँ कि अगले मंथ तक अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो 1K पार हो जाएगी सब्सक्राइबर। अभी तो कुछ 416 के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आशा रखता हूँ कि अगले मंथ नेक्स्ट मंथ तक 1K पार कर देंगे। और पिछले वीडियो में हमने 20 लाइक्स का टारगेट रखा था जिसमें से 16 लाइक्स मिले, तो नॉट बैड, उतना भी बुरा नहीं है।
बट कोशिश करते हैं इस बार कि 30 लाइक्स इस वीडियो में आ जाए। तो वीडियो अपलोडिंग हो चुकी है और पब्लिश भी कर दिया है, सॉरी शेड्यूल कर दिया है, तो 10 बजे वीडियो आ जाएगी। आज लेट नहीं होने वाली, आज थोड़ा जल्दी आ गया था और लाइन वगैरह थी तो जल्दी काम कर दिया पूरा, और अभी कुछ काम भी नहीं था इसलिए। तो मैं बात कर रहा था थोड़े सा सब्सक्रिप्शन के बारे में, यानी सब्सक्राइबर्स के बारे में। सब्सक्राइबर्स काउंटिंग बहुत कम है और जो भी व्यूज़ आ रहे हैं उसके हिसाब से लाइक कमेंट नहीं आ रहा है। तो वीडियो में जो भी आपको पसंद आता हो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, ओपन खुला हुआ है। जो भी अच्छा बुरा लगे वो आप सजेस्ट करो ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए थोड़ा सा वीडियो और अच्छा बना सकूं। ऐसे वीडियो समझ में नहीं आता ना कि कौन सा चीज़ लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है कौन सा कम। तो इस वजह से वीडियो अगर देखते हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट ज़रूर करना, और नए हो तो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि मैं डेली ब्लॉग अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप देख पाओगे। बाकी आज 1 बजे तक मैं ऑफिस में हूँ, भाई को फ़ोन करता हूँ सुबह, बोले फ़ोन उठाता भी नहीं है और नहीं आता है, बात कर रहा था, पूछता हूँ इससे क्यों भाई बात क्यों नहीं कर रहा जी। तो बोल अब सुबह फ़ोन क्यों नहीं उठाता, पब्लिक जानना चाहती है कि तू एक दिन आता है एक दिन नहीं आता, वो क्यों सुबह दिन ही नहीं टूटता है मेरा। अरे तो क्या फोन तो करते हैं भाई, फोन करता है मेरा 6 बजे का, 6:10 में, 6:20 में, 3 को अलार्म लगा के रखते हैं कि उठ जाओ 7 बजे से पहले, फिर भी नहीं मैं उठ पाता हूँ। मान आत्मा करो, सीखो सीखो कुछ मुझसे सीखो। डेली 12 बजे तक वीडियो एडिट करता हूँ, 1 से 2 बजे के रात में एडिट कर अपलोड कर देता हूँ और सुबह फिर 6 बजे उठ रहा हूँ। आप लोगों का प्यार है बस, डेली रात 3 बजे तक मैं स्टडी करता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ। सही सही बात बोल रहा हूँ, स्टडी कर रहा है लड़का, इसलिए नींद भी जरूरी है, समझ रहे हो। और मूड हुआ मतलब मन हुआ कि चलो चलते हैं आज, तो आ जाते हैं। वैसे तो रोज का रूटीन अपना वैसे ही है। चलो ठीक है भाई, कबीर दास बोला था हम तो कहेंगे, नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, तो वैसे फोन कर लेता हूँ, शायद मन हो जाए बंदे का आने का। ठीक है, सही है, रोज फोन करता है, अपना कर्म कर रहा हूँ भाई, बाकी देख लो। तो अभी फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं, टाइम हो चुका है 1:08 और टाइम वैसे भी 1 बजे तक मैं सेंटर बंद कर देता हूँ। अभी थोड़ा मार्केट चलते हैं, मार्केट में थोड़ा सा काम है उसको करके फिर निपटा के घर, और मिलते हैं फिर आपको शाम को 4 बजे। तो ये देखो प्यारे, और इसका हालत देखो, कुछ तो सरल कर ले भाई। एक्चुअली मैं भी यहाँ पे इतना धूल में रहता हूँ कि डेली का वही हाल है, कितना भी धूल हो धूल उतना ही बैठना है। तो फाइनली मैं ऑफिस आ चुका हूँ और अभी हो रहे हैं शाम के, एक मिनट देख लेता हूँ, शाम के 5 बजे। तो मैं वापस आ चुका हूँ अपने ऑफिस और अभी हो रहे हैं 5। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपको सेम ब्लॉग में, और अभी अभी सेंटर आया हूँ और सिस्टम वगैरह सारा ऑन कर दिया, और करते हैं थोड़ा सा एक दो काम और वापस आपसे मिलते हैं। क्या हो गया, किससे बात कर रहे हैं देख रहे हैं क्या? क्या चीज़ है ये? ये कैमरा है। वो कहाँ पता चलेगा? वो ऐसे नहीं पता चलेगा, तो रिकॉर्ड होने के बाद पता चलेगा। देखिए अब इधर ये वाला लेंस है, इसमें देखना पड़ता है, अभी रिकॉर्ड हो रहा है ये। तो ये बगल के अंकल थे, बगल के नहीं मेरे दूसरे सेकंड दुकान में जो पापा के स्टाफ है वो थे। तो ये पहले इंसान नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे चौंकते रहते हैं अचानक से कैमरे की तरफ बात करते हुए, रास्ते में भी जब भी बात करता हूँ तो लोग ऐसे ही रिएक्शन करते हैं, और मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगता है, बट अब आदत होने लगी है इस चीज़ की, तो अच्छा रहता है लोगों से कम्युनिकेट करने में, और रिएक्शन सबसे अच्छा मिल पाता है आपके लिए। उनका जो रिएक्शन होता है कैमरे के लिए वो अल्टीमेट वाली होती है, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर बंदा कर क्या रहा है। तो ब्लॉगिंग को लेके इस एरिया में बहुत कम नॉलेज है लोगों को कि ब्लॉगिंग होता क्या है,
और स्पेशली मोटो ब्लॉगिंग ये सब तो लोगों को पता ही नहीं है। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, यंग सब्सक्राइबर्स हैं, अंकल लोग बहुत कम इंटरेस्ट रखते हैं इन सब चीज़ों में। तो धीरे धीरे हो जाएगा जब इन लोग को पता चलेगा। तो घर में बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो फैन बंद कर दिया है मैंने, तो फैन चालू करता हूँ और थोड़ा सा काम करता हूँ, फिर मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे।